एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लस ये ऑनलाइन है तो आप इसे इजिली ले सकते हैं। जी हाँ, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ में अगर ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी आप लेना चाहते हैं सो ले सकते हैं। ये कोई रिस्पॉन्सर नहीं है। मैंने सोचा था एक मैं ब्राइडल कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि ब्राइडल के लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ज्वेलरी है, दुपट्टे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम आपको क्या दिखाते हैं, सबसे पहले पहले मैं आपको दिखाऊंगी ब्राइड के लिए दुपट्टा और ब्लाउज, इसके बाद फिर ज्वेलरी वगैरह पे आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, ये है हमारा ब्राइड के लिए दुपट्टा जो मुझे इतना ज्यादा खूबसूरत लगा। करवा चौथ में भी आप इसे मंगा सकते हो और इसका गोटा पट्टी का जो काम है इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। इसके साथ मैंने ब्राइडल मेकअप लुक भी निकाल लिया। अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत प्रिटी सा सिंपल सा मेकअप लुक हुआ है। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दुपट्टा भी आप देख सकते हैं जिसका काम है, इतना अच्छा वाला काम है। मेन क्या होता है ना कि चाहे कितना भी हल्का हो, चाहे जैसा हो, बट अगर आप उसे ओढ़ो और पहनो ना तो वो देखने में बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो 200 का ही क्यों ना हो, है ना। बट ये मुझे इतना खूबसूरत लगा। बहुत सारे दुपट्टे थे, एक मिनट, बहुत सारे दुपट्टे थे लेकिन जो इसका काम था, महंगे काम था ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप देखिए पूरे में ही नग लगे हुए हैं, छोटे छोटे से जो कुंदन लगते हैं, आप उसे कुंदन बोल सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूरे में ही अच्छा खासा वर्क हुआ। जब आप इसे सर पे डालोगे ना तो इतना खूबसूरत लगता है, ये क्या बताऊं। और बीच बीच में यहाँ पे छोटी छोटी सी मोतियां लगी हुई हैं और फिर बीच में एक पल्स लगा हुआ है, तो मोतियां कवर की हुई हैं पल्स को, तो इस तरह की है। जितना दुपट्टा होता है सेम वैसा है, कोई भी छोटाई बड़ाई नहीं है इसमें, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। तो सिंपल ये कुछ इसी तरह का है, बीच में ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी मोतियां लगी हैं, पल्स लगे हुए हैं और कुछ इस तरह से है ये दुपट्टा। और इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी और नहीं, मतलब लाइट वेट भी है, बहुत अच्छा। और इसी के साथ मैचिंग करता हुआ मैंने ये लिया है ब्लाउज जो मुझे, तो ये देखिए ये ब्लाउज मैंने लिया है, बहुत अच्छा है। अगर आप ब्राइड हो, आपके पास कुछ ऐसा हैवी वाला ब्लाउज नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इतना सुंदर है ना, ये इतना सुंदर है क्या बताऊं। आप देख सकते हैं कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, टेबल है। बहुत सारे ऐसे आते हैं ब्लाउज जो कंफर्टेबल नहीं रहते, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक थोड़ा सा मैंने मंगाया था 500 के राउंड, बट वो मेरे कंफर्टेबल नहीं है, पहनने पर वो ठीक नहीं आता, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, बट है बहुत सुंदर। तो ये हो गया सो कुछ इस तरह का ये ब्लाउज है, बहुत सुंदर है, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा लगता है पहनने पे। और इस दुपट्टे के साथ मैंने इस ब्लाउज को पहना हुआ था, फुल वर्क है, स्टोन लगे हैं, जरी का वर्क है, बैक पे भी सेम आपको मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। ये देखिए मतलब क्या मैं बोलूं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये ब्लाउज हमारा हो गया। एक हमारी ब्राइड के लिए ज्वेलरी, अगर आपको हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद है, ब्राइडल हो या फिर आपका पार्लर है, कम बजट में ज्वेलरी चाह रहे हो, तो ये ज्वेलरी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। आप देख सकते हो कितनी हैवी ज्वेलरी है, मतलब पूरा आपका नेक भर जाएगा जब आप इसको पहनोगे, और पीछे पूरा ये जो आजकल मीनाकारी का काम चल रहा है, वो पीछे पूरा ही मीनाकारी का काम दिया गया है, मतलब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मैं इसकी क्या क्या बात बताऊं आप लोगों को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये देखिए ये जो कुंदन वर्क दिए हुए हैं ना, ये अंदर की साइड में है। ऐसा होते हैं ना कि कुंदन जो बाहर होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन ये कुंदन जो है ना वो अंदर की साइड में, तो एक भी कुंदन ना ही निकलेगा और ना ही फंसेगा। प्लस पॉइंट यहाँ पर पहले राउंड में छोटी मोतियां लगी हैं, बीच में हाफ चांद जैसा बना हुआ, और फिर ये छोटी छोटी सी लरियां लटकी हुई हैं। तो ये रहा इसका मांग टीका, ये देखिए, मतलब आप इसको सिंगल भी लगाओगे ना तो बहुत सुंदर। अगर ब्राइडल के लिए लेते हो, उसके बाद शादी होने के बाद आप इसकी जो इयररिंग्स और इसका टीका, आप इसको इजिली लगा सकते हो, इस तरीके से बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाले हो। सेम वैसे ही है, पीछे पूरा मीनाकारी का काम है। बात करते हैं इसकी इयररिंग्स की, तो इसकी इयररिंग्स आप देखिए मतलब कमाल की हैं यार,
इसकी इयररिंग्स अगर आप पहन लोगे ना तो इतनी सुंदर लगेंगी। सिर्फ इयररिंग्स ही आप पहनोगे ना, ऊपर देखिए छोटा सा कुछ ऐसे बना हुआ है, फिर हाफ चांद वाली, फिर छोटा सा यहाँ पे एक फ्लावर, फिर बड़े से झुमके और उसके नीचे भी मोतियाँ। मतलब एक इयररिंग्स के फैन हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अभी आप देख सकते हो, आप जब इसको पहनोगे ना तो ये अपने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। तो आप देख सकते हो इसके साथ एक सहारा भी दिया गया है कि आपकी हैवी ना लगे जब आप इसको पहनेगे, और इस फिर कंफर्टेबल रहेगा आपको पहनने में। ये देखिए सुंदर लग रही है ना। और इसके साथ ये टीका भी मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ, कहाँ गया यार इसका टीका। ये देखिए ईद वगैरह में आप सिंगल इसको पहन सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख सकते हो, है ना। सो ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये बड़ी बड़ी वाली पल्स के जो चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब इसमें अंदर के साइड पल्स लगे हुए हैं और ऊपर की साइड में क्या है वो जो नहीं होता है सिल्वर टाइप का कुछ काम दिया गया है, और जो इतना खूबसूरत है, जाली वाला काम है, निट वाला काम है, इतना सुंदर लगता है पहनने पर। आप इसको यूं करके यूं ऐसे पहन सकते हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। देख रहे हो आप, मतलब कमाल की ज्वेलरी है ये, अपने में बहुत खूबसूरत है। और नीचे यहाँ पे मोतियाँ लगी हुई हैं, और ये वो हैवी है और ये लाइट वेट है, मतलब बहुत लाइट वेट है, बहुत ज्यादा। जब आप कुछ इस तरीके से, आप इसको भी सिंगल पहन सकते हो और इसको भी सिंगल पहन सकते हो, दोनों को ही आप सिंगल और ऐसे भी पहन सकते हो, पहनने पर बहुत सुंदर दिखेगा ये। आप चाहो तो इसको एकदम पीछे करके साड़ी वगैरह पे भी वेयर कर सकते हो और ऐसे भी इसके साथ ही पहन सकते हो। ये भी सेम वैसे ही, इसमें पल्स लगे हैं ऊपर नेट का, जैसे होता नहीं है जाली वगैरह का काम कुछ उस टाइप का, और नीचे पल्स लगे हुए हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के साथ मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी कि बहुत लाइट वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट। ठीक, इसके साथ कई चीज़ें मिली हैं। फर्स्ट तो हमारा ये टीका हो गया, सेम वैसी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, टीका सेम है, छोटू सा है, प्यारा है। आप सिंगल इसको भी पहन सकते हो अगर छोटी ज्वेलरी आपको पसंद है। और इसके साथ भी इयररिंग्स है, सेम है, सेम कोई डिफरेंट नहीं, पीछे मीनाकारी का इसमें भी काम है, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं है, देखिए अच्छी लग रही है ना। और इसमें भी ये देखिए सेम मीनाकारी का काम है, जैसे उसमें था ना सेम इसमें भी मीनाकारी का काम है। साथ मुझे मिली थी क्या, इसकी मेहंदी, मतलब ये फुल ब्राइडल है, वो भी ब्राइडल है बट उसके साथ मेहंदी नहीं थी, तो ये रही इसकी मेहंदी। हम इसको ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए ये रही इसकी मेहंदी, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत प्यारी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मतलब क्या मैं बोलूं, ये ज्वेलरी लाइट वेट के साथ साथ खूबसूरत बहुत ज्यादा है। इसकी नथ, ये वाली ज्वेलरी के साथ मुझे नथ मिली थी कुछ इस तरह की, आजकल बहुत चल रही है, ये देख सकते हैं पूरे में ही पल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे बीच में पल्स लगा हुआ, मतलब नथिया बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हमने इसके साथ एक टीका भी लिया था क्योंकि ये वाली मुझे ऐसा टीका बहुत लेने का मन था, तो कुछ इस तरह का टीका ही मुझे रिसीव हुआ है। सब मैं पहले तो खोल के रख देती हूँ ताकि फटाफट से मैं दिखा सकूँ। तो ये रहा इसका टीका, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, मतलब पूरे में ही छोटे छोटे से स्टोन लगे हैं, नग लगे हुए हैं, मैरून का टच है, जैसे ये डार्क वाला मैरून है उस टाइप का, थोड़ा सा पर्पल टच दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह का है। आप ऐसे पहन सकते हो इसको, यूं देखिए अच्छा लग रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ये टीका चल रहा है।